इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपोनेंट्स के सेंसर सीरीज में आज की वीडियो में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मतलब क्या होता है। आज हम क्या देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर मतलब क्या। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है इंडक्टिव सेंसर क्या होता है। हमने क्या देखा है लास्ट लेक्चर्स में इंडक्टिव सेंसर्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा है कैपेसिटिव सेंसर क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। अब एक चीज जो हमने जब इंडक्टिव सेंसर्स और कैपेसिटिव सेंसर्स को डिस्कस किया उस टाइम पे कवर अप नहीं की है, वो ये है कि यूजुअली इंडक्टिव सेंसर्स या कैपेसिटिव सेंसर्स का जो सेंसिंग रेंज होता है वो बहुत कम रेंज होता है। मतलब ये रेंज जो होता है ना वो कुछ मिलीमीटर्स में होता है। क्या होता है? कुछ मिलीमीटर्स में, मतलब मान लो 1 मिलीमीटर, 2, ये हो सकता है 7 मिलीमीटर। तो आपके किसी भी सेंसर का जो सेंसिंग रेंज है वो क्या है, ये आपका जो सेंसर आता है उस सेंसर के ऊपर जो उसका प्रोडक्ट टैग होता है उसके ऊपर ये डिटेल दिया जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर आपको किसी चीज को डिटेक्ट करना है बट आप सेंसर को इतने कम सेंसिंग डिस्टेंस में अगर फिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास और बाकी के ऑप्शंस क्या है। तो उस केस में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहां पे आप फोटो इलेक्ट्रिक और ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेंसर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फोटो जैसे इंडक्टिव सेंसर है, जैसे कैपेसिटिव सेंसर है, ये दोनों सेंसर जो थे, ये सेंसर कैसे थे, ये नॉन कॉन्टैक्ट के सेंसर थे। कैसे थे? नॉन कॉन्टैक्ट। तो आपको कुछ चीज को डिटेक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में भी आपका जो सेंसिंग होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग होता है। ठीक है, सो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स ऑफर्स नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग ऑफ ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है यहां पे, ये किसी भी सब्सटेंस का नॉन कॉन्टैक्ट सेंसिंग जो है वो सपोर्ट करता है। कैपेसिटिव सेंसर में हमने देखा था, कैपेसिटिव सेंसर जो आपका ये था, ये खाली फेरस नॉन फेरस मेटल को डिटेक्ट करता था। सॉरी, इंडक्टिव सेंसर जो हमने ये देखा था, ये खाली फेरस नॉन फेरस मेटल को डिटेक्ट करता था। जो कैपेसिटिव सेंसर को हमने देखा था वो कैपेसिटिव सेंसर आपके ग्रेन्यूल्स को डिटेक्ट करता था या लिक्विड को डिटेक्ट करता था, प्लास्टिक को डिटेक्ट करेगा, वुड को डिटेक्ट करेगा, राइट। बट मान लो अगर आपको इंडक्टिव सेंसर यूज करके लिक्विड डिटेक्ट करना है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस को ये सेंस करता है। और ऑब्जेक्ट अप टू रेंज ऑफ, क्या है इसका रेंज, देखो इसका रेंज मीटर्स में है। ये कहाँ रेंज है? मीटर्स में। इसका जो रेंज था इंडक्टिव कैपेसिटिव सेंसर का कहाँ पे था? मिलीमीटर्स में था। इसका रेंज किस चीज में है? मीटर्स में रेंज है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एलईडी का लाइट सोर्स होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड इन आइदर इंफ्रारेड और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। मतलब एलईडी जो लाइट इमिट करेगा आइदर वो इंफ्रारेड होगा या विजिबल भी हो सकता है। एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका डिटेक्टर। क्या होता है? डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या है? फोटो डायोड है। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट जब हमने ये देखा था इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेंसर जब हमने देखे थे तब मैंने बोला था कि ट्रांजिस्टर क्या है इसका वर्किंग आप चेक करो, थायरिस्टर क्या है इसका वर्किंग भी आप चेक करो, उसी तरह से डायोड कैसे काम करता है ये आपके इंजीनियरिंग में कवर अप हुआ है। इसको भी आपका जो नॉलेज है उसको ब्रश अप करना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? फोटो डायोड कैसे काम करता है इसको भी आप चेक करो। जब आपके ये लेक्चर का वीडियो सीरीज कंप्लीट होगा उसके बाद जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं ये सारी चीजों का आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं और आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। मान लो इनडायरेक्टली मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, समझ गए? ठीक है, तो
ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी इंफ्रारेड एनर्जी बीम दिस सेंसर्स हैव मेजर एडवांटेजेस ओवर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व्हेन एम्प्लॉयड इन अ डस्टी एनवायरमेंट। अब मान लो अगर आप इंडक्टिव सेंसर को डस्टी एनवायरमेंट में यूज करते हो, कैपेसिटिव सेंसर को डस्टी एनवायरमेंट में यूज करते हो, तो उस केस में वहां पे जो है वहां पे एरर के चांसेस है, ठीक है, एरर के चांसेस है, जो कि अगर आप इंफ्रारेड सेंसर यूज करोगे तो इसकी जो इंफ्रारेड सेंसर अगर आप यूज करोगे तो उस इस इंफ्रारेड सेंसर का जो हाई इंटेंसिटी एनर्जी बीम होता है वो अगर डस्टी इन्वायरमेंट है तो उस इन्वायरमेंट में भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। विद देयर फोकस बीम एंड लॉन्ग रेंज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आर इंक्रीजिंगली यूज इन एप्लीकेशन वेयर अदर सेंसिंग टेक्निक्स आर लैकिंग इन सेंसिंग डिस्टेंस और एक्यूरेसी। मतलब जहां पे बाकी के सेंसर में एरर आता है, ठीक है, या वो मटेरियल को डिटेक्ट नहीं करते, उस जगह पे आपका ये जो ऑप्टो इलेक्ट्रिक या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या इसी को क्या बोलते हैं इंफ्रारेड सेंसर भी बोलते हैं, इन सेंसर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ मोड्स इंक्लूडिंग, मतलब इसमें भी टाइप्स है, राइट। जैसे हमने देखा कैपेसिटिव सेंसर है, इंडक्टिव सेंसर है, वो तो इंडिविजुअल उसके टाइप्स हो गए, लेकिन जब आप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर में आते हो तो इसके जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर के डिफरेंट टाइप्स है, वो क्या है, तो टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल सेंसर, उसमें जो आपका पहला टाइप है वो है इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी। क्या है? इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी। इसी को इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी को ही बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव। तो प्रॉक्सिमिटी टाइप फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स डिटेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द टारगेट इटसेल्फ। ये क्या कर रहा है देखो, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी या डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव सेंसर में जो आपका टारगेट है, मतलब जिस चीज को आपको सेंस करना है, उस चीज से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना, उसी लाइट को आपका इंफ्रारेड सेंसर जो है वो सेंस करेगा। प्रॉक्सिमिटी फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आर प्रिफरेबल फॉर जनरल पर्पज सेंसिंग एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली वेयर द डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम वन साइड। ठीक है, मतलब मान लो कि आपको जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, आपको एक ही साइड का एक्सेस है। मान लो ये आपका सेंसर है, ठीक है, ये आपका सेंसर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपको दूसरे एंड से मतलब कहाँ से, इस एंड से आपको एक्सेसिबल नहीं है। तो पहले हमने जो डिस्कस किया था, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता है, आपका ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेंसर एक आपका रहता है ट्रांसमीटर, ठीक है, और दूसरा जो आपका रहता है वो आपका रहता है रिसीवर, ये आपका रहता है रिसीवर, और इसके बीच से आपका जो ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो ट्रांसमीटर ने लाइट इमिट किया है, ठीक है, वो लाइट जो है वो रिसीवर रिसीव करता है, उस लाइट को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। जैसे ही लाइट ब्रेक हो गया तो इस रिसीवर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंस कर दिया। ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसमीटर में और रिसीवर में ऑप्टो इलेक्ट्रिक सेंसर के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, जो आपका पहला टाइप है कौन सा, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी, उस इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी में क्या हो रहा है ना, आपका जो इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी में जो ट्रांसमीटर है वो और जो रिसीवर है वो दोनों एक ही साइड में अवेलेबल है, एक ही सेंसर में अवेलेबल है। ये ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर रे को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ये रे जाके आगे जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आपको डिटेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को जाके जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, यहां से वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जो आपका रिसीवर है ना, ये रिसीवर इसको रिसीव करता है। जैसे ही आपके रिसीवर ने लाइट को रिसीव कर लिया, तो इसको लगा कि भाई इसने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, इसने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया, और फिर वो आपको क्या देगा, आउटपुट का सिग्नल देगा, वो आउटपुट का सिग्नल बेस्ड ऑन एनओ एनसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमने देखा, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, आपको वन साइड एक्सेसिबल है, ओनली वन साइड एक्सेसिबल है, इस तरफ से ये ऑब्जेक्ट आपको एक्सेसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो टाइप आपका है,
ऑप्टिकल सेंसर में वो है ट्रांसमिटेड बीम, ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बीम या थ्रू बीम सेंसर भी बोलते हैं। ट्रांसमिटेड बीम ऑप्टोइलेक्ट्रिक सेंसर्स यूज सेपरेट इंफ्रारेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब इसमें क्या, देखो जैसे इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है इंफ्रारेड ऑब्जेक्ट में, इस केस में एक ही में था, तो इस केस में क्या है, ये दो अलग अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे कि आपका ट्रांसमीटर अलग है और रिसीवर अलग है, उस तरह से आपके ट्रांसमिटेड बीम में क्या होता है, यहाँ पे जो है ये आपका जो है ये ट्रांसमीटर है और यहाँ पे जो है ये आपका अलग से रिसीवर है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक कंटिन्यूअस जो लाइट सोर्स है ये ट्रांसमीटर से आपके रिसीवर में आ रहा है, जब तक ये लाइट कंटिन्यूड है तब तक ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे इसके बीच से कोई ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पास हो रहा है, ये लाइट को ब्रेक करेगा और ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा और बेस्ड ऑन दैट आपका जो स्विचिंग डिवाइस है NO या NC वो आपको आउटपुट देगा। NO अगर है तो आपका वो फंक्शनली क्लोज हो जाएगा और अगर NC है तो आपका वो फंक्शनली ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्रांसमिटेड बीम थ्रू बीम, ट्रांसमिटेड बीम फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स uses separate infrared transmitter and receiver. Objects passing between the two parts interrupt the infrared beam. ये जो हमने यहाँ पे देखा, causing the receiver to output a signal. ये जो है ये हमने देखा कि ये हमारा output का signal हमें मिला, ठीक है। तो ये हो गया second type of our optical sensor, ठीक है। अब हम जाते हैं next, थर्ड टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर। ये अब आपका है थर्ड टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर, इसका नाम है रेट्रो रिफ्लेक्टिव ऑप्टिकल सेंसर या इसको रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है, देखिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर ऑपरेट बाय सेंसिंग द लाइट बीम दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ टारगेट रिफ्लेक्टर। अब यहां पे फिर से जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना ट्रांसमीटर रिसीवर, उसमें डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो अगेन एक ही हाउसिंग में है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, लेकिन आपका जो दूसरा एंड है ना वहां पे एक मिरर काइंड ऑफ थिंग है। क्या है, एक मिरर काइंड ऑफ थिंग है, जो ट्रांसमीटर ने जो लाइट आपका यहाँ पे ट्रांसमिट किया है, ये ट्रांसमीटर ने जो लाइट ट्रांसमिट किया है ना ये यहाँ पे आएगा, ये रिफ्लेक्टिव मिरर है और ये रिफ्लेक्ट करेगा ये आपका जो रिसीवर है इसको। तो जब तक ये लाइट रिसीव हो रहा है इसका मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको ये ट्रांसमीटर को ये जो है ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ट्रांसमीटर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपका रिसीवर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही रिसीवर में डिस्टर्बशन आपका आ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि बीच में आपका कोई ऑब्जेक्ट है और फिर वो जो आपका सेंसिंग डिवाइस है आउटपुट वाला, ठीक है, उसको सेंस करेगा। अगर वो NO है तो वो फंक्शनली क्लोज हो जाएगा, अगर NC है तो वो फंक्शनली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये था अपना थर्ड टाइप ऑफ सेंसर, थर्ड टाइप ऑफ ऑप्टिकल सेंसर जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव था। अब सिमिलर टाइप है पोलराइज्ड रिफ्लेक्टिव सेंसर, ठीक है। इसमें और इसमें ये जो फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप में इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पोलराइज्ड सेंसर जो होता है वो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे जो लाइट है, जिस लाइट में आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना है वो नेकेड आई को विजिबल नहीं होता, उस केस में पोलराइज्ड रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर यूज किया जाता है। उसका जो 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 मिरर होता है, ठीक है, वो पोलराइज फिल्टर यूज करके बनाया जाता है। तो देखिए पोलराइज रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर वर्क्स लाइक अ नॉर्मल रिफ्लेक्टिव सेंसर बट यूजेस अ पोलराइजिंग फिल्टर। ये क्या यूज करता है, पोलराइजिंग फिल्टर यूज करता है इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के सामने क्या है, यहाँ पे आपका एक जो है पोलराइज जो है यहाँ पे क्या है आपका, एक सेकंड, यहाँ पे आपका क्या है, पोलराइज फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पोलराइज गॉगल यूज किया होगा ना
तो उन लोगों को ये पता होगा पोलराइज फिल्टर काम कैसे करता है। आप किसी भी ये जो चश्मे का दुकान होता है ना, या फिर ये गॉगल का दुकान होता है, वहां पे जाओ और उनको आप बोलो कि मुझे पोलराइज गॉगल चाहिए, तो वो आपको एक गॉगल देंगे, ठीक है, और वो गॉगल को देख पहनने के बाद आपको बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे आप देखो, वहां पे आपको कुछ फिगर नजर में आएगा, ठीक है, फिगर दिखेगी, और उसी फिगर को अगर आप नॉर्मल गॉगल से देखते हो तो वो फिगर आपको नहीं दिखेगी। तो ये रीजन क्या होता है, पोलराइज गॉगल में जो पोलराइज फिल्टर का लेयर होता है ना, वो कुछ रेज को ब्लॉक करता है, जिसको ब्लॉक करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर इमेज दिख जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सेंसर, जो कि पोलराइज रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर है। अगर आपको ऑप्टिकल सेंसर में कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके क्वेरीज का क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या होते हैं। थैंक यू।